हेलो एवरीवन, अभी सुबह का 9 बज रहा है। थोड़ा लेट से उठना होता है अभी लॉकडाउन में, क्योंकि घर से ही कब काम होते हैं। तो ये सुबह का वेदर है, कितना अच्छा है। मेरा विंडो से दिखाई दे रहा है। तो कहीं रास्ते में पूरा खाली आपको दिखाई देगा, कोई नहीं है, हमेशा खाली रहते हैं रास्ते। मैं इसमें अभी मछली बना रहे हैं। ये कतला माछ है, कतला माछ। तो इसको मैंने सरसों से बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बिठा दिया है, सॉरी मैं वीडियो नहीं ले पाई उस टाइम में। क्या किया मैंने ना, इसमें सॉस पैन में बिठाया। मैंने इसको एकदम सिंपल तरीका से किया है। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड हल्दी मिक्स करके ना, उसमें ये सरसों का पेस्ट बनाया है। सरसों मैंने 1 टमेटो ऐड किया सरसों में। सो आई हैव एडेड 1 टमेटो इन मस्टर्ड सीड पेस्ट एंड विथ सॉल्ट एंड with this I grind it and in I took in this pan in this pan I put all this paste. This is my paste. This I put. I added 2 green chilies also here. तो उसके बाद मैंने फिश डाला है, फिर मैंने और एक ऊपर में भी फिर पेस्ट डाला, फिर मैं अभी उसको बॉयल कर रही हूँ। ये ऐसे ही होता रहेगा बॉयल। लास्ट में मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा, एकदम सिंपल सा है। और मैंने इधर दाल बिठाया है इसको लंच में, है ना। दिस इज पॉइंटेड गार्ड, उसको मैंने ग्राइंडिंग में पेस्ट कर लिया है पॉइंटेड गार्ड को। तो इसका जो पानी है मैं उसको फेंक दूँगी। सो इसमें 2-3 लहसुन डाला है, गार्लिक, यस 4 पीसेस ऑफ गार्लिक का है पैटर। सॉल्ट डाल के मैं जो पॉइंटेड गार्ड का जो ऊपर का स्किन होता है उसका मैंने पेस्ट बनाया है उसको। इसको मैं तेल में फ्राई करेंगे। ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म राइस के साथ आप खाओगे तो बहुत टेस्टी होता है। और ये बीट रूट लिया है मैंने, दिस इज़ बीट रूट, आई चॉप्ड इट। एंड इसका दिस इज़ आई विल मेक वन साउथ इंडियन डिश, दिस इज दे विल फ्राई इट एंड दिस वेरी टेस्टी डिश इन साउथ इंडिया। आई लव इट अ लॉट एंड आई विल शो यू हाउ आई एम मेकिंग दिस फ्राई, बीट रूट फ्राई। अब फिश फ्राई करके रात्र ओटा डाल दिए खाबो एटा लंचे फिश फ्राई बना रही हूँ। इसको रात में खाऊंगी दाल के साथ, दाल राइस दाल और फिश फ्राई। एंड इसको लंच के लिए आज बन गया। मेरा मास्टर शेफ से जो मैंने फिश बनाया वो रेडी हो गया। मैंने एकदम पतला बनाया, आप इसको और भी सुखा सकते हैं क्योंकि राइस के साथ मेरे को मुझे चाहिए थोड़ा कर। सो दैट्स वाई आई मेड इट लाइक दिस। सो यू कैन मेक मोर थिक ऑल्सो इफ यू वांट। तो ये लंच में हो गया। सो आई कैन गार्निश इट इट कोरिएंडर लीव्स और एज योर विश इफ यू वांट। सो बीटरूट करी में मैं करी पत्ता डाला है ऑयल में, फिर मैं मस्टर्ड डाली और मस्टर्ड सीड डालना है। बट आई हैव ऑर्डर्ड मस्टर्ड सीड ऑलरेडी इन दिस बीटरूट। तो मस्टर्ड सीड एंड करी पत्ता फिर मैं सीजनिंग करके ये डाल दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक मस्टर्ड में आसान कर दीजिए। दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो बीटरूट। आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हो, बहुत कुछ बना के खा सकते हो। मैं तो दाल साथ फिर इसका काटलेट भी बनता है,
बॉयल करके रोटी के साथ भी खाते हैं। सिर्फ इसको फ्राई करना है। ডালার ভাজা এই এই নি কি আছে মাছের ঝোল আছে ঠিক নেই কাম বউ। हेलो, तो हम लोग का लंच हो गया है। तो मैं मैं मोबाइल से वीडियो करना एंड कुकिंग दोनों एक साथ, फिर मेरा रिकॉर्डिंग दो सब एक साथ नहीं होता है मेरे, तो मैं अभी इसके लिए आप लोग के साथ बैठी हूँ। तो लंच हो गया है, तो आप तो देखा ही है लंच में क्या क्या बनाया। तो अभी हम लोग 4:30 तक मैं विल प्ले विथ माई डॉटर नाउ। हम लोग खेलते हैं बहुत सारा चीज़, जैसे हाँ ये सब है कप प्लेट्स एंड ऑल, ये सब से हम लोग खेलते हैं। कभी टॉयज से खेलते हैं कभी, तो ये नया उसका खिलौना है। तो हम लोग 3:30 to 4:30 ऐसे खेलते हैं, उसके बाद हम लोग 4:30 to 5:30 सोते हैं जाके। उसके बाद हम लोग साइकिलिंग करते हैं आजकल, मैं और मेरी बेटी। नो पापा डोंट डू। सो हम लोग दोनों 5:30 से 6:30 हम लोग साइकिलिंग करते हैं। वो उसके साइकिल चलाते हैं, मैं मेरी साइकिल चलाती हूँ। तो उसके बाद आके फिर हम लोग इवनिंग टाइम स्नैक्स लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ डिनर उनर का तो रहते ही ऐसे ही चला जा रहा है अभी लॉकडाउन का पीरियड ऐसे ही। तो आज इतना ही, फिर नए ब्लॉग या नया म्यूज़िक वट एवर आई विल शेयर विथ यू वट एवर आई विल डू नेक्स्ट। सो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।